नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। 29 अप्रैल की बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारी रेगुलराइजेशन ऑर्डर को लेकर। काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। क्लास 3 भर्तियों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। ओल्ड पेंशन और GPF खातों का जो कर्मचारी लंबे समय से NPS कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको सूचना देंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे अपडेट समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्मचारी रेगुलराइजेशन ऑर्डर को लेके। तो 2 साल पूरा कर चुके जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, वो काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार कर रहे हैं और 1 महीना भी इसको लगभग बीत चुका है। फाइल जो है वो आपकी कार्मिक विभाग से CM ऑफिस में भेज दी गई है मुख्य सचिव के माध्यम से। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है और कैबिनेट में भी इसको लेकर कोई ना कोई ऑर्डर जारी हो सकता है। अगली बात क्लास 3 भर्तियों को लेकर करें, तो हिमाचल में जो बेरोजगारी युवा है वो सड़कों पे उतर चुका है। जैसा कि आपने पिछले कल भी देखा कि सचिवालय का घेराव करने युवा बेरोजगार पहुंच चुके थे। सरकार द्वारा सभी अधिकारियों को डायरेक्शन दी गई है कि सब कमेटी जो भर्तियों को लेकर बनाई गई है, वह जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपे और जल्दी से जल्दी खाली पदों को लेकर जानकारी एकत्रित करे। जो भर्तियाँ अस्थायी रूप से अकेडमिक की मेरिट के आधार पर की जा रही थी, उसका प्रारूप बदला जाएगा और सरकार जो है सभी भर्तियां टेस्ट के माध्यम से स्थायी रूप से ही करेगी। अस्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी, यह CM द्वारा सभी को आश्वासन दिया गया है। अगली बात OPS और GPF खातों को लेके आपको करें, तो OPS का यहाँ पे मुद्दा काफ़ी लंबे समय से गर्माया हुआ है। वित्त विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि इसके जो GPF खाते 1 हफ्ते के अंदर अंदर खोलने का जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दिया जाएगा और कैबिनेट में OPS के मापदंड को लेकर कोई ना कोई अपडेट जरूर आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसी अपडेट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।